हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, जिंदगी का ऐसा फलसफा जिसको जिसने भी समझ लिया उसने सही मायने में जिंदगी को जी लिया। आप हेल्दी रहें, फिट रहें, इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज लेकर आते हैं आपका पसंदीदा हेल्थ शो संजीवनी, जिसमें हम ना सिर्फ परेशानी या बीमारियों की चर्चा करते हैं बल्कि आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक उचित निदान भी आपको बताते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आपकी सेहत की गुत्थी सुलझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। संजीवनी में हम हर रोज इसी मकसद के साथ आते हैं कि कैसे आप हमेशा हेल्दी रहें और फिट रहें। संजीवनी में आज हम आपको बताएंगे कि फूलगोभी की वो कौन सी खूबियां हैं जिसे जानकर और अपनाकर आप बने रह सकते हैं सेहतमंद। इतना ही नहीं, आज संजीवनी टिप्स में जानिए खून साफ करने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर फूलगोभी में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जिस वजह से फूलगोभी को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि फूलगोभी इतनी फायदेमंद क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी कॉमन सी सब्जी है फूलगोभी, एवरग्रीन सब्जी है, हमेशा ही मिलती है। खासतौर से सर्दियों के मौसम में तो बहुत अधिक मात्रा में फूलगोभी आपको मिलती है, जगह जगह सब्जी मंडी में जाएं। लेकिन शायद आपने कभी ज्यादा सोचा नहीं होगा इसके इससे अधिक एक सब्जी है कि इसमें कुछ गुण भी हैं, औषधीय गुण भी हैं, बहुत सारे गुण हैं। काफी सारे विटामिन मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें पाया जाता है जिसको हम बार बार आपको बताते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को साफ करता है, यहाँ तक के हमारे शारीरिक शक्ति जो है, रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है गोभी, फूलगोभी जो होती है। और एंटी कैंसर कुछ गुण भी इसके अंदर पाए गए हैं। एक रिसर्च के माध्यम से ये पता चलता है कि कैंसर को प्रिवेंट करने में भी कहीं तक ये लाभकारी होती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा कषाय मधुर रस है, शीतवीर्य इसको कहा गया, यानी कि कूलिंग इसकी तासीर है, और ये बात वर्धक इसको कहा गया, वायु को बढ़ाती है। जैसे हमने कई बार ये अपने शो में भी हम बताते हैं कि बादी वाली चीजें जो हम नहीं खानी चाहिए उसमें गोभी का नाम अक्सर हम लिया करते हैं, लेकिन पित्त और कफ को ये कम करती है, बात को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं कि ये हमारे शरीर में जो खासतौर से हमारी आंतें हैं, आंतों को साफ करती है, क्योंकि फाइबर की मात्रा इसमें काफी अधिक होती है। तो ये गुण सारे गोभी के अंदर हैं। गोभी जब आपको मिलती है सीजनल, उसको खूब अच्छी तरह से आप खाएं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे, वात वर्धक है, जो लोग वात रोगों से पीड़ित हैं वो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। और जब गोभी आप बनाएं तो उसमें थोड़ा हींग, अदरक ऐसी चीजों का प्रयोग आप करें पकाते समय, तो वो आसानी से पचेगी और वायु कम बनाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव है कानपुर से। जी पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मैं राजीव बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी मेरे हेल्थ से जुड़ी समस्या है जी, मेरा कितना भी खाता मेरा शरीर नहीं बनता मैम। शरीर नहीं बनता आपका, मतलब आपका वजन नहीं बढ़ता है? जी मेरा वजन नहीं बढ़ता है। जी हाँ, मेरी 23 साल उम्र है और मेरा वेट है 58 kg। अच्छा, तो आपको भूख ठीक लगती है? जी हम भूख भी थोड़ी कम लगती है जी। अच्छा, और कुछ शरीर में कमजोरी महसूस करते हैं? जी हाँ बिल्कुल सर, कमजोरी महसूस होती है शरीर में। अच्छा अच्छा, हाइट कितनी है आपकी? हाइट है जी 5'10". 5'10", तो अच्छा हाइट आपकी अच्छी है। उसके कारण भी जो है कई बार शरीर थोड़ा और दुबला पतला लगता है, कि जो लंबे लोग होते हैं अगर थोड़े उनका वजन कम हो तो शरीर दुबला पतला और ज्यादा लगता है। लेकिन सबसे पहली चीज ये है जो मैंने आपसे पूछा कि भूख आपको लगती है कि नहीं, आपको कमजोरी महसूस होती है कि नहीं, बहुत आवश्यक है सभी लोगों के लिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जो है बहुत स्ट्रांग बन जाएं, मसल्स हमारी बड़ी 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 बन जाएं और वेट बढ़ जाए, हम जरा तगड़े दिखने लगें। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हम आपको समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जो शरीर है उसकी शारीरिक प्रकृति जो है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन सबकी अलग अलग है, उसके अनुसार ही आपके शरीर की बनावट होती है। तो जो वात प्रकृति के लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत उनका शरीर ज्यादा भारी भरकम नहीं होता है। कफ वाले अगर देखें उनके ऑपोजिट, वो थोड़े से भारी भरकम होते हैं, वो बेचारे कुछ भी नहीं खाते फिर भी उनका वजन बढ़ता रहता है। वात वाले जो है सब कुछ खाते रहते हैं, ज्यादा खाते हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहली चीज है आपको अपने शारीरिक प्रकृति का परीक्षण जरूर करना चाहिए। उसके लिए हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप एक टेस्ट है, उस टेस्ट में अगर कुछ प्रश्न के उत्तर आप देंगे तो आपको कैलकुलेशन करके वो लास्ट में बताएगा कौन सी प्रकृति है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपको भूख कम लगती है, तो थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ कि कहीं आपका पाचन शायद कमजोर है।
तो पाचन को ठीक करने के लिए तीन चीजें आपको लेनी है। सौंठ का चूर्ण ले लीजिए, उसके साथ साथ धनिया और पुदीना, तीन चीजें आपको बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच भोजन के पश्चात आपको सेवन करना है। साथ में पौष्टिक खाना खाइए। पौष्टिक खाने का मतलब जो चीजें आपको फैट बॉडी में बढ़ाएं, जैसे कि दूध है, मलाई, मक्खन, घी, इसका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन मात्रा के अनुसार उतना खाएं जो आप आराम से पचा सकें। अभी आप यंग हैं, जवान हैं, आपकी पाचक अग्नि इतनी कमजोर अभी नहीं है, पाचक अग्नि और भी अच्छी हो जाएगी जो नुस्खा मैंने बताया। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो धातु वर्धक जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ धातु पौष्टिक चूर्ण एक बहुत बढ़िया मिलता है, और भी कई औषधियां ऐसी हैं जिनको कि आप डॉक्टर के परामर्श के पश्चात ले सकते हैं। डॉक्टर से बातचीत करें, अपने रोग की हिस्ट्री पूरी बताएं और उनका सेवन भी करें, तो उससे भी आपके शरीर में वृद्धि होगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हैं असम से। जी पूछिए अपना सवाल। जी मैम, सर नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे माता जी के हील में जो है ना, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है पिछले 10 सालों से। अच्छा, देखिए 10 साल तो काफी हो गए, अब तक कुछ ना कुछ तो आपको उपाय करना चाहिए था उसका। और एड़ी में दर्द होना बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में वात रोग के अंडर इसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि वायु जो हमारे शरीर में एक दोष है वो एड़ी के अंदर जाके रुक जाती है, जब तो दर्द होता है। तो थोड़ा रात को उनको बोलिए, सोने से पहले गर्म पानी में अपनी दोनों एड़ियां, दोनों पैर 10-1 मिनट तक रखें, थोड़ा नमक डाल लीजिए उसमें पानी में, उसके पश्चात तिल के तेल से मालिश करके रात को वो सोएं। खाने में मेथी का सेवन उनको कराइए, मेथी दाना, मेथी का दाना लेके उसका पाउडर बना लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को, दिन में 2 बार गर्म पानी से सेवन करना। लेकिन अगर पुराना रोग है, क्योंकि जैसा आपने कहा 10 साल हो गए हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपको आयुर्वेदिक दवाइयां लेनी पड़ेंगी। केवल घरेलू नुस्खे, केवल मालिश करना, केवल उपचार करने से आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए आयुर्वेदिक दवाइयां भी साथ में जरूर लेनी चाहिए। और आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं फूलगोभी के इस्तेमाल से सेहत से जुड़ी किन किन दिक्कतों या बीमारियों से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब बताएं। देखिए जैसा मैंने कहा कि फाइबर की मात्रा है, तो कब्ज के जो पेशेंट हैं वो गोभी की सब्जी खाएं, गोभी का सूप पिएं, उनको बहुत फायदा होगा। इसके अतिरिक्त अगर कब्ज से रिलेटेड जो रोग होते हैं हाथों में, जैसे आपको पाइल्स हो जाते हैं कई बार, पाइल्स की वजह से भी जो है, पाइल्स की वजह भी कब्ज ही होती है, तो उसमें भी आपको फायदा करता है। कैल्शियम की मात्रा इसमें पाई जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियां कमजोर हों तो आप गोभी का सेवन करें। इसके अतिरिक्त त्वचा के रोगों में भी लाभकारी होती है, क्योंकि रक्त शोधक भी इसको माना गया, पित्त शामक है ये, तो त्वचा के रोगी भी इसको सेवन कर सकते हैं, जिसको जैसे कि खारिश, खुजली या कोई ऐसे त्वचा के रोग हैं, एक्जिमा वगैरह हो गया, वो जरूर गोभी का सेवन करें, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग एसिडिटी से पीड़ित रहते हैं, जिसको कि खट्टी डकारें और जलन अंदर होती है, वो भी गोभी का सेवन कर सकते हैं। बॉइल्ड गोभी खाएं तो बहुत फायदा होगा इसमें, या थोड़ा सा कच्ची गोभी भी आप सेवन करें, उसका जूस निकाल के भी उससे फायदा मिलेगा। बुखार में भी इसका सेवन किया जा सकता है, और कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों को बढ़ा होता है वो भी गोभी का सेवन करें, डायबिटीज के पेशेंट भी गोभी का सेवन कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अनीता है अलीगढ़ से। जी आप अपना सवाल कर सकती हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी मैं जानना चाहती हूँ, मेरा 3 साल का बेटा है, उसकी बालों की ग्रोथ बहुत हल्की है, बहुत लाइट बाल है उसके, हल्के एकदम। देखिए अभी 3 साल का है तो इतनी टेंशन मत लीजिए, अभी तो बहुत सारी चीजें ग्रो करनी है उसके शरीर में और वृद्धि जरूर होगी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि किसी किसी के बच्चे के स्कैल्प पर उतने बाल नहीं होते, बाद में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है घबराने वाली बात, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अगर इतने चिंतित हैं तो आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो जरूर उसमें फायदा करेगा। एक तो उसके सिर में सप्ताह में 2-3 बार जरूर अच्छी तरह से मसाज करिए, कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, बादाम का तेल हो, उससे मालिश करिए। मालिश करने से अगर कुछ छिद्र ऐसे अभी रुके हुए हैं जो कि वहाँ जहाँ बाल नहीं आ रहे हैं, या कोई पोषण नहीं वहाँ से निकल रहा है, पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, तो तेल से उसमें लाभ मिलेगा आपको। और बच्चा अभी छोटा है तो उसको थोड़ा सा पोषण का ध्यान जरूर दें, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई विशेष चीज उसको खिलानी है, छोटा बच्चा है सब कुछ खाएगा, अभी फ्रूट्स खिलाइए, सब्जियां खिलाइए, हरी सब्जियां खिलाइए, तो उससे क्या होगा कि उसके शरीर में जो भी चीजें निर्माण होनी है, जो भी चीजें ग्रोथ होंगी वो सही तरीके से होंगी, किसी प्रकार का उसको प्रॉब्लम नहीं आए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ है आगरा से। जी पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा नाम सौरभ है, करीब पिछले छह महीने से मेरे हाथ राइट हैंड के नीज में काफी दर्द रहता है। अच्छा हाँ जी। राइट हैंड के कहाँ दर्द होता है?
राइट हैंड के हाथ के आगे, मतलब पूरे मतलब बाजू में होता है या उंगलियों में? साइड से, बाजू के साइड में थोड़ा सा नीचे होता है दर्द। अच्छा, तो ऊपर की तरफ, मतलब मैं जो कोहनी से ऊपर या कोहनी के नीचे? कोहनी से थोड़ा सा ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये दर्द जो है कंटिन्यूअस लगातार बना हुआ है आपको या कभी कभी जो है बीच में रुक जाता है फिर होता है? जी नहीं, अगर मैं कोई भारी सामान उठाता हूँ या कुछ ऐसा हैवी काम करता हूँ तभी वो दर्द थोड़ी देर के लिए होता है, एक आध दिन के लिए, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है वैसे। अच्छा, देखिए दो चीजें इसमें हो सकती हैं, एक तो जो मांसपेशियां होती हैं बाजू की मांसपेशियां हैं उनमें किसी प्रकार की स्टिफनेस अकड़ाहट हो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर जो है गर्दन में आपकी अकड़ाहट हो, सर्वाइकल जिसको बोल देते हैं, गर्दन से कई नसें निकलती हैं उसकी वजह से भी कई बार हमारे अपर आर्म में थोड़ा सा पेन आ जाता है। तो एक तो गर्दन में और बाजू में तिल के तेल से मालिश करिए, आप रेगुलरली मालिश करिए, तो उससे काफी रिलीफ, मुझे उम्मीद है आपको रिलीफ डेफिनेटली उससे आ जाएगा। उसके साथ साथ थोड़ा सा आप कोशिश करिए ये पता लगाने की कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है आपकी बॉडी में, कभी कभार किसी विशेष विटामिन की या किसी और खनिज पदार्थ की डेफिशिएंसी से भी आपको प्रॉब्लम्स आती है। एक नॉर्मल सा टेस्ट ब्लड का कराइए, उसमें थोड़ा एक नॉर्मल टेस्ट पहले करा लीजिए जिसमें आपको हीमोग्लोबिन वगैरह का टेस्ट होता है, और उसके पश्चात आप हमारे डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, उनको जरूर बताएं कि क्या रिजल्ट उसका निकला, और ये जो मालिश आप करेंगे इसका भी आपको कितना फायदा मिला ये भी जरूर बताइए, क्योंकि अगर आवश्यकता होगी तो फिर इसमें आपको कुछ औषधियां आपको देनी पड़ेंगी, खाने के वाली दवाइयां देनी पड़ेंगी, आयुर्वेदिक दवाइयां, क्योंकि अगर दोषों की दृष्टि से हम इसको देखें तो वात का प्रकोप इसमें मुख्य रूप से हो सकता है आपको, तो वात बढ़ाने वाली चीजें हैं कई, जो वायु कारक जिसको हम कहते हैं बाधी वाली चीजें, उनको भी थोड़ा सा कम सेवन करिए, और कोशिश करिए कि अपने भोजन को थोड़ा सा स्निग्ध बनाइए, आप मतलब सूखी चीजें मत खाइए बहुत ज्यादा। तो चलिए डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि फूलगोभी आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब फूलगोभी लेते टाइम या खाते टाइम हमें कोई सावधानी या फिर कोई परहेज रखना चाहिए? सावधानी देखिए, मैंने कहा कि वात वर्धक है, बहुत सारे लोग कंप्लेन भी करते हैं कि जब वो गोभी की सब्जी खाते हैं तो थोड़ा उनको ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बनने लगती है, और गैस ज्यादा बनेगी तो फिर वो और जो वात के रोग है, जोड़ों का दर्द है या गठिया रोग आपको है, कमर दर्द है, उसमें आपको नुकसान पहुंचाएगी। वात रोगों में आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है, और जिन लोगों की टेंडेंसी है कि ज्यादा उनको जो है वायु का रोग होता है, वायु ज्यादा बनती है, ब्लोटिंग ज्यादा होती है, वो थोड़ा सा हींग अदरक वगैरह का प्रयोग करें जिससे कि वो सुपाच्य बन जाए, अच्छी तरह से पच जाए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, केशव है दिल्ली से। जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी, मैं केशव बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। एक्चुअली क्या है कि मेरे पेट में हमेशा दर्द रहता है, मैं कुछ भी खाता हूँ सब भी दर्द रहता है, और मतलब जलन भी रहती है बहुत ज्यादा। जलन भी होती है, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया आपने? नहीं जी, नहीं कुछ भी नहीं कराया। देखिए जलन अगर आप बता रहे हैं और जलन के साथ साथ दर्द होता है तो ये संकेत हमें मिलता है कि एसिड की मात्रा अधिक है, जिसको कि आयुर्वेद में हम पित्त बोलते हैं। तो सबसे पहले एसिडिक जो चीजें आपके अगर भोजन में कुछ हैं, खास तौर से चाय, कॉफी, लाल मिर्च अचार, स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल, कोई भी ऐसी चीज जो कि एसिडिक है, इवन बहुत ज्यादा मिर्ची, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, ये सब एसिडिटी बनाती है। तो सबसे पहले इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपका कॉज एसिडिटी है या पित्त है तो 50% रिलीफ तो इसी से मिल जाएगा आपको। दूसरा जो है इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान करना है कि रोग अगर पुराना हो गया है तो कहीं सूजन तो नहीं होगी अंदर। बहुत ज्यादा जब जलन होती है और तेजाब अंदर रहता है तो अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है, पेट के अंदर भी और आंतों के अंदर भी, और फिर जब भोजन वहां पहुंचता है हमारा, तो वहां जब भोजन पहुंचेगा जिस एरिया में इन्फ्लेमेशन है वहां दर्द हुआ करता है, तो उसके लिए फिर आयुर्वेदिक औषधि बहुत अच्छी है। बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे फूलगोभी की गजब की खूबियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब क्या है फूलगोभी को लेकर आज की संजीवनी? देखिए जैसा मैंने कहा कि पित्त शामक है, त्वचा के रोगों में पित्त बढ़ जाता है, हम आपको बार बार बताते हैं, तो पित्त यानी कि त्वचा के रोग, खारिश, खुजली, एक्जिमा कुछ किसी को हो तो गोभी का जूस निकाल के पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। इवन पत्ता गोभी का जूस भी मिला करके उसमें पियेंगे, वो भी बहुत फायदा करेगा। इसी प्रकार से अगर हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों में कमजोरी है, तो गोभी और गाजर का जूस मिला करके पिए, लाभ मिलेगा, काफी फायदा मिलेगा उससे। पाइल्स अगर आपको हैं,
तो उसमें आपको क्या करना है, गोभी का सूप बनाइए, बहुत बढ़िया सूप, उसमें थोड़ी अदरक भी डालिए, वो अच्छा आपको फायदा करेगी, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। और गले में खराश हो तो गोभी के पत्तों का रस निकाल करके, एक चम्मच रस एक चम्मच शहद मिला करके आप लें, तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा। और गोभी का सेवन आप जो है, अगर आपको यूरिन में जलन होती है तो उसमें भी गोभी का सूप बनाए के आप पी सकते हैं, या उसका जूस पिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे खून साफ रखने के आसान और कारगर नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए, खून साफ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आयुर्वेद में बहुत सारी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, और कैसी कई चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनको कि आप हर रोज सेवन करके अपने रक्त को शुद्ध रखें। रक्त हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण धातु है, और रक्त अगर शुद्ध रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं आएंगी। सबसे पहले अगर आपको रक्त शोधन करना है, तो आज हमने गोभी की बात की, पत्ता गोभी का जूस आप अगर पिए, लगभग 50 मिलीलीटर दिन में दो बार पत्ता गोभी का जूस निकाल के पिए, उससे आपको आपका रक्त साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसके अतिरिक्त नीम के पत्ते, हम बार बार बताते हैं, नीम के पत्ते आप सुबह खाली पेट 5-6 पत्ते चबा करके खाएं, या नीम का कोई टेबलेट वगैरह आप सेवन करें, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और एलोवेरा यानी कि घृत कुमारी जिसको बोलते हैं, उसका भी जूस आप 30 मिलीलीटर के करीब सुबह शाम दोनों टाइम लेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। एक गिलोय का रस भी इसमें फायदा करता है, गिलोय की लकड़ी लेके कूट करके उबाल करके काढ़ा बना करके दिन में 2-3 बार पिए, या दो बार भी पियेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और आयुर्वेद की एक चिरायता नाम की जड़ी बूटी आती है, बहुत कड़वी होती है, चिरायते को थोड़ा सा आप पानी में भिगो करके और उस पानी को सुबह पिए, उससे भी आपके रक्त की शुद्धि होती है। और आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं, उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और फिट रहेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। थैंक यू।